मित्रों श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव। मित्रों आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बताया गया बहुत अचूक और रामबाण उपाय बताऊंगा, जो बहुत ही चमत्कारी और असरदार है। ये उपाय करने से आप सुख समृद्धि की प्राप्ति कर सकते हैं। आज गुरु जी की ही कथा सुनकर आपको इन उपाय के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। कई बार आप अपना कोई काम करने जाते हैं लेकिन वो पूर्ण नहीं हो पाता है, पूरी मेहनत के बाद भी आप असफल हो जाते हैं। ऐसे में कई बार संदेह शत्रु की ओर जाता है कि कहीं वो ही तो आपके खिलाफ टोटका नहीं कर रहा है। जब आपको इस बात पर पूरा यकीन हो तब नीचे बताए उपायों को कर सकते हैं। शनिवार के दिन आप इस उपाय को करें कि सबसे पहले एक मोर पंख ले ले, साथ ही आपको हनुमान मंदिर में हनुमान प्रतिमा से सिंदूर भी लेना होगा। अब इस सिंदूर से मोर पंख के ऊपर अपने शत्रु का नाम लिख दें। अब पंख को अपने घर के पूजा स्थल पर रात भर के लिए रख दें। अगला दिन बिना नहाए मोर पंख को कहीं बहते जल में प्रवाहित कर आए। यह एक बेहद साधारण सा उपाय है जिसे आप कभी भी कर सकते हैं। जब आप शौचालय में बैठे हो तो वहीं के पानी से जमीन पर अपने शत्रु का नाम लिख दें और जब बाहर निकले तो उसे अपने पैर से 3 बार ठोकर मार दें। ऐसा करके आप अपने शत्रु के प्रभाव से निजात पा सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे हाथ जोड़ के विनती है, अगर आप महादेव को मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और नीचे कमेंट में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जरूर लिखें, जिससे कि आपकी मनोकामना जल्दी पूरी हो जाए। दुश्मन से छुटकारा पाने के लिए काली मिर्च के 5 दाने को लेकर घर के किसी कोने में दिए में रखकर जला दें और अपने दुश्मन का नाम 3 बार मन में लें। इस दिए में 1 लौंग भी डाल दें। इससे दुश्मन से छुटकारे के साथ साथ नजर दोष से भी छुटकारा मिलता है। शनिवार के दिन करें 5 लौंग ले 5 काली मिर्च के दाने और अपने शत्रु का 21 बार नाम लेते हुए उस पर फूंक मार दें। अगले दिन इनको जला दें। लगातार 7 शनिवार इस उपाय को करके आप बदलाव देख सकेंगे। आपके शत्रु आपका पीछा छोड़ देगा। अगर आपका कोई शत्रु आपको बहुत परेशान कर रहा है तो उससे छुटकारा पाने के लिए आप इन उपायों की मदद ले सकते हैं। इन उपायों को गुप्त तरीके से करने से आपके शत्रुओं की हार होगी। अगर हम नहीं चाहते हैं फिर भी हमारे दुश्मन बन ही जाते हैं। कई बार तो हमें पता भी नहीं होता है कि हमारा दुश्मन कौन है। ऐसे दुश्मन हमारे जीवन को बर्बाद करने वाले होते हैं। ऐसे दुश्मनों की वजह से हमारा जीवन संकट से भर जाता है और हम कुछ कर भी नहीं पाते हैं। ऐसे दुश्मन हमारे जीवन में बाधा बनते हैं और हमें तरक्की नहीं करने देते हैं। लेकिन ऐसे दुश्मन से छुटकारा पाने का तरीका है, सिर्फ आप लौंग की मदद से ऐसे दुश्मन से छुटकारा पा सकते हैं और दुश्मन का खात्मा कर सकते हैं। काली मिर्च से दुश्मन का खात्मा करने के लिए सबसे पहले आपको शनिवार के दिन का चुनाव करना है। यह उपाय आपको शनिवार के दिन ही करना है, किसी अन्य दिन यह उपाय नहीं किया जा सकता है। शनिवार के दिन का चुनाव करने के बाद आपको रात्रि के समय स्नान आदि करके स्वच्छ हो जाना है। अब आपको अकेले में बंद कमरे में यह उपाय करना है। यह उपाय करने के दौरान आपके आसपास किसी को भी ना आने दे। अब आपको 7 काली मिर्च लेने हैं और अपनी हथेली में रखकर 21 बार काली मिर्च पर फूंक मारनी है। इस दौरान आपको 21 बार अपने दुश्मन का नाम भी लेना है।
इतना हो जाने के बाद आपको काली मिर्च किसी कपड़े में लपेटकर घर में रख देने हैं। अब रविवार की सुबह उठकर इन सातों लौंग को जला देना है और इसकी राख को किसी सुनसान जगह पर फेंक देना है। इतना हो जाने पर आपका यह उपाय पूर्ण हो जाएगा। यह उपाय आपको लगातार 7 शनिवार करना है। तंत्रिका ग्रंथ के अनुसार काली मिर्च का यह उपाय आपको ग्रहों के अशुभ प्रभाव से भी बचाता है। अगर आपकी कुंडली में राहु और केतु की स्थिति अनुकूल नहीं है, जिसकी वजह से कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो शनिवार के दिन लौंग का दान करें। अगर कोई आपसे काली मिर्च नहीं ले रहा है, तो शिवलिंग पर 40 दिनों तक लौंग अर्पित करें। ऐसा करने से राहु केतु का नकारात्मक प्रभाव कम होता है और भगवान शिव की कृपा घर में खुशहाली आती है। घर में कोई ना कोई समस्या लगी रहती है या पारिवारिक सदस्य आपस में किसी ना किसी बात पर लड़ते झगड़ते रहते हैं, तो काली मिर्च का यह उपाय आपके लिए काफी कारगर साबित होगा। इसके लिए आप शनिवार के दिन शाम को 5 लौंग, 3 कपूर और 3 ही बड़ी वाली इलायची को लेकर उसको जला दें। जली हुई इन चीजों को घर के सभी कमरों में ले जाएं और घुमाएं। इसे पूरा जल जाने के बाद इसकी राख को मुख्य द्वार पर फैला दें। ऐसा करने से घर में मौजूद नकारात्मक शक्ति का नाश होता है और धीरे धीरे सभी सदस्यों में प्रेम भाव बढ़ने लगता है। कई बार ऐसा होता है कि लाख मेहनत करने के बाद भी काम पूरा नहीं हो पाता या फिर बना बनाया कार्य एक झटके में खत्म हो जाता है, तो काली मिर्च का यह उपाय आपकी मदद कर सकता है। इसके लिए आप 21 मंगलवार तक हनुमान मंदिर में जाएं और हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाएं और उसमें 2 काली मिर्च डाल दें। इसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें और आरती उतारें। फिर हनुमान जी से प्रार्थना करते हुए अपनी समस्या के बारे में बताएं। ऐसा करने से आपके भाग्य का दरवाजा खुलेगे और सभी कार्य आसानी से पूरे होने लगेंगे। अगर आपका धन काफी दिनों से अटका हुआ या फिर लौटाने में आनाकानी कर रहा है, तो पूर्णिमा या अमावस्या की रात 11 या फिर 21 काली मिर्च कपूर के साथ जलाएं। इसके बाद कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें और माता लक्ष्मी ध्यान करते हुए अपनी समस्या से अवगत कराएं। ऐसा करने से अटका धन वापस आने के योग बनते हैं और माता लक्ष्मी की कृपा से धीरे धीरे सभी आर्थिक समस्याएं भी खत्म होने लगती है। अगर किसी व्यक्ति को धन की कमी रहती है, साथ ही घर में क्लेश रहता है, तो काली मिर्च के 8 दाने ले और उन्हें घर के किसी खाली कोने में ले जाकर जला दें। ऐसा करने से आर्थिक तंगी तो दूर होगी ही, साथ ही ग्रह दोष से भी छुटकारा मिलेगा। तो मित्रों, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और नीचे कमेंट में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जरूर लिखें, जिससे कि आपकी मनोकामना जल्दी पूरी हो जाए।